हे गाइस, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जेईई मेन इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड द एडमिट कार्ड ऑफ द जेईई मेन। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है यार बहुत सारे बच्चों की। तो एक तो ये क्वारी है कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा, देन सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या रियल के अंदर जेईई मेन पोस्टपोन्ड हो रहा है। इतनी ज़्यादा ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या इसका कुछ सोल्यूशन है? और अगर ये ट्वीट किए जा रहे हैं तो कब तक हमें पता चलेगा कि जेईई मेन पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा? हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सेकंड अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन है उसकी भी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। आप देख सकते हैं वेबसाइट वगैरह पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जेईई मेन के रिगार्डिंग। अब सेकंड एक क्वेश्चन और ये भी है कि भैया क्या पहले हमें टेस्ट सेंटर बताया जाएगा कि किसका कौन सा सेंटर है क्या, और हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? क्या पहले टेस्ट सेंटर बताया जाएगा देन उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, या फिर एडमिट कार्ड आएगा डायरेक्टली? और करेक्शन विंडो का क्या सिस्टम है, क्या करेक्शन विंडो रियल के अंदर नहीं खुल रहा है? ओके, और जो जिन बच्चों ने पहले दिन के अंदर फॉर्म भर के कुछ गलतियां कर दी थी और जो जेईई मेन ने जो है थोड़े दिन बाद में यानी कि दूसरे दिन डाला था जो करेक्शन का, जो बारे के अंदर की करेक्शन नहीं ओपन होगा, सो इसके बारे में क्या डिटेल है? क्या जो फर्स्ट दिन के अंदर जो बच्चों ने वो उनको तो प्रॉब्लम हुई है, अगर इनको ऐसा करना था तो सेकेंड डे को डालना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए तो कम से कम खोलना चाहिए करेक्शन विंडो को। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों का, तो इसके बारे में आज अपन डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो लोग बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिगार्डिंग कि पोस्टपोन्ड होगा जेईई मेन, सो यार पोस्टपोन्ड होने के मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ही कम चांसेस है। अब तो कुछ अगर आसमान धरती पाताल अगर एक हो जाए तभी ही पोस्टपोन्ड हो सकता है, वरना नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड जो है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही हो सकता है, जैसे लाइक हॉस्पिटल सर्विसेस एंड जो है जस्ट लाइक आप समझते हो कोविड एंड जो अदर सिचुएशन के अंदर ही पोस्टपोन पॉसिबल है। विदाउट एनी अदर सिचुएशन पोस्टपोन नहीं हो सकता किसी भी हाल के अंदर। हालांकि जो ट्वीट बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे इसके रिगार्डिंग, लेकिन हाँ जस्ट आई फुली सपोर्टेड फॉर दिस योर करेक्शन विंडो आपका ओपन होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, और भी पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है ठीक है यार, इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल भी, तो जस्ट ईमेल आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ jeeimain@nta.nic.in, इसके ऊपर आप ईमेल जरूर डालें ठीक है। इसके रिगार्डिंग पोस्ट जो भी आपका करेक्शन विंडो है यार, करेक्शन विंडो ओपन होना ही चाहिए एंड करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट है ओपन होने की, तो आई थिंक जो इसको जो ओपन करना चाहिए किसी भी हाल में ओपन करना चाहिए ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग करेक्शन विंडो। और आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जस्ट लाइक और क्या क्वेश्चन थे आपका, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे बता सकते हो वीडियो के जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका और क्या क्वेश्चन है। एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब यार अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कि पहले जो है हमें टेस्ट सेंटर बता दें कि आपका कौन सा टेस्ट सेंटर है, देन उसके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एडमिट कार्ड डायरेक्टली सेंड कर दें, या फिर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब यार जैसा कि आज अपन देख रहे हैं, आज 6 अप्रैल हो चुका है और आज जो है वेनसडे है, कल लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का 5 बजे, जो है जो भी रजिस्ट्रेशन लास्ट टाइम था रजिस्ट्रेशन हो गए 8 लाख के, जो भी जितने भी बच्चे थे 8.5 लाख के करीब जो भी बच्चे रजिस्टर हुए हैं। अब यार प्रॉब्लम ये है कि उनका जो है एडमिट कार्ड और सिटी जो है उनको जस्ट लाइक सिस्टम के जरिए निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ पे किसका किसका क्या सिस्टम सारा सब कुछ। तो आप इसके अंदर कम से कम 2 दिन तो मान के चलो, अगर आपके टेस्ट सेंटर डिक्लेयर किए जाते हैं तो आप मान सकते हो 8 से लेकर 10 तारीख तक 2 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा टेस्ट सेंटर के बारे में। अगर आपका डायरेक्टली एडमिट कार्ड आ रहा है तो आप मान के चल सकते हो एटलीस्ट 9 या 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि एडमिट कार्ड के अगर मैं नॉर्मल डेट बताऊं तो आपको 11 तारीख को तो आना ही आना चाहिए कम से कम 11 तारीख को, क्योंकि यार 10 दिन का तो टाइम मिलना ही मिलना चाहिए। क्योंकि अब क्या होता है बहुत सारे बच्चे अदर जगह हो तो यार जो है वो लोग भी समझते हैं जैसे लाइक हमें फ़्लाइट करते हैं या फिर ट्रेन की टिकट जो है बुकिंग नहीं हो पाती है, ऑलमोस्ट लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो यार ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो पाती है, अगर ये लोग बाद में एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे सो फिर क्या सिस्टम उसका ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं जैसे लाइक कि जो है 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड रिलीज होना ही चाहिए अगर एग्जाम 21 से हो तो, वैसे समझ रहे हैं आप। तो जस्ट लाइक इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन है और यार पोस्टपोन के तो बहुत ही कम चांसेस है ठीक है गाइस। और
टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट मैंने आपको बता ही दिए, 8.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, जो है आईसर का IAT टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। हमारा जो जेईई मेन का मिशन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाती है, देन प्लस उसके साथ में जो है आपको इंडिया के टॉप जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसके अंदर हमारी फैकल्टी आपको एडमिशन दिलाती है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पे प्लेसमेंट एटलीस्ट 20 लाख प्लस का होता है एवरेज, आप मान सकते हो। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऐसे के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वारी आती है एडमिशन के टाइम पर कि भैया मेरे को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भैया, प्रॉब्लम ये अभी इस टाइम पर है, क्योंकि अगर जस्ट अप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे तो एडमिशन मिलेगा कैसे। अब जस्ट लाइक आपने जेई मेन के लिए अप्लाई कर दिया, जेई मेन में नहीं हुआ, आपने अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया ही नहीं है, अब एडमिशन वाले टाइम पे जब रिजल्ट आ चुका है, उस मोमेंट पे हमें बच्चे आके बोलते हैं कि भैया हमें जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजों में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में, NIT के बाद में जो डायरेक्ट वाले होते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस वाले होते हैं उसमें एडमिशन दिला दो। अब यार उस मोमेंट पे हम एडमिशन कहाँ से दिलाएं, जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में फिल हो रहा है, अप्रैल में फिल हो रहा है, और जब उस टाइम पे बच्चे आके हमें बोले कि भैया हमारा एडमिशन दिला दो, तो वो पॉसिबल नहीं है उस मोमेंट पे। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक्शन अभी से लेना पड़ेगा, सर्विसेज आपको अभी से लेनी पड़ेगी, जो भी आप मेंटर्स गाइडर्स से बात कर रहे हैं आपको अभी कांटेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो जस्ट लाइक उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, या फिर आप हमारा प्राइम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ पैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक आपकी पूरी लाइफ बन सकती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक यू कैन ट्राई नाउ, और जस्ट अपने बेस्ट परफॉर्म करिए, और खूब पढ़ाई लिखाई करिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।